दिल्ली निजामुद्दीन के न्यू होराइजन स्कूल में जनाब अफजल अमानुल्ला साहब के बैनर का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 29 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। खातिन हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कमाल फारूकी है और मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जो प्रेजेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें BOT के लिए मैं कंटेस्टेंट हूँ। लेकिन कंटेस्टेंट होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये बात है कि अफजल अमानुल्लाह साहब की जो टीम है उस टीम का एक अदना खादिम हूँ और मेरा जो भी ज़िंदगी का जितना भी तजर्बा है वो इंशाल्लाह इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बका के लिए, उसके अच्छाई के लिए, आइंदा उसमें तरक्की किस तरह से हो और मुसलमानों के लिए और देश के लिए, जो इसमें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो बेसिक इथोस है कि ये जो इस्लामिक कल्चर जो है वो हिंदुस्तान में किस तरह से फ़रोग पाए और किस तरह से मुसलमान और हिंदुस्तान दोनों एक साथ मिलकर मुल्क के लिए और कम्युनिटी के लिए काम कर सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अफजल अमानुल्लाह हमारे बहुत ही लायक, काबिल, एक्सपीरियंस और बहुत ही दीनदार किस्म के और बहुत ही ख़ानदानी शख्सियत हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ऐसे तमाम लोगों से जो कि पिछले कई सालों से, तकरीबन डेढ़ दो सदियों से पूरे IIC का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, हम उस पर कंट्रोल करेंगे और उसको एक पॉजिटिव देंगे। और हम ख़ास तरीके से दरख्वास्त करते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर वोट दीजिए, अपना वोट इस तरह से दीजिए कि वो कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे प्रेसिडेंट को जिता दें आप जो कि इंस्टीट्यूट का बेखूनी करें, या किसी ऐसे सर को जिता दें जिसके पास टर्म भी पूरा ना हो और 2.5 साल के बाद वो खुद हाफिज कह दे। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अहम है और इसके ऊपर बात कीजिए। मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है, मैं इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ और आज जो यहाँ मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारे लोग आए, मेम्बरान आए, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इतवार के दिन उमूमन लोग अपने घर और ख़ानदान के साथ रहता है, निकाल करके यहाँ पर आए और हम लोग सब अपने टीम के साथ हम लोग उनके सामने पेश हुए, उन्होंने हमारी बात सुनी, अच्छे से सुनी, हम सबके शुक्रगुजार हैं। हम लोग का एजेंडा बहुत सिंपल है, हम लोग को इस इस्लामिक सेंटर को एक्चुअली इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाना है। इस्लाम का कल्चर जो है, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर है, इस्लामिक कल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के कल्चर में, क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के कल्चर में, यहाँ पर सेमिनार कराना है, यहाँ पर पेपर और रिसर्च कराना है, यहाँ पर मेंबर्स को सहूलतें देनी है, यहाँ का मेंबरशिप सारे हिंदुस्तान में बढ़ाना है, छोटा छोटा 2-3 कमरे का इसका सब सेंटर्स बनाना है ताकि अगर कोई काम हम करें दिल्ली में, कोई सेमिनार हो अच्छा, तो वहाँ पर वीडियो से हम लोग TV पर वहाँ पर लोग वहाँ के मेंबर भी उस वक्त जुड़ सकें और वहाँ से उन लोग उसका फ़ायदा उठाएं हम लोग के सेमिनार से। और इसमें इंटर रिलीजियस डायलॉग, माने विभिन्न रिलीजन्स धर्मों के बीच में डायलॉग हो कि भाई फ़र्ज़ करिए कि जिहाद के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इस्लाम में जिहाद का क्या मतलब है या वॉर का क्या मतलब है, या लोग जानना चाहते हैं कि गजा में क्या हो रहा है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, ये सब हम लोग काम है बताना ना, जो मुसलमानों के हम लोग के दिमाग को में उछल पुछल कर रहा है, वो सब समस्या, वो सब प्रॉब्लम्स, वो सब लोगों को जानना चाहिए। तो ये इस्लामिक सेंटर का काम है मुसलमानों का जो प्रॉब्लम्स है उसको सरकार के सामने पेश करना, उसके कोशिश करना कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यही सब है एजेंडा में। हमने अच्छे से लिख दिया है अपने कागज़ में, तो अगर लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वो समझ जाएंगे कि एजेंडा में क्या है। आदाब दोस्तों, मैं बदरुद्दीन खान, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन भरा है, मेरा बैलेट नंबर है 4। आज हम लोग यहाँ जो मीटिंग में हम लोगों ने बातें की वो इस्लामिक कल्चर सेंटर के अखराज व मकासद को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और MOA को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और आप लोगों की तवक्कात के लिए को ध्यान में रखते हुए, मेंबरों की तवक्कात को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक सेंटर को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। आपकी
जो सजेशंस हैं वो हम तमाम सजेशंस को मानते हुए इस्लामिक कल्चर सेंटर को आगे बढ़ाएंगे और उसको एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे दुनिया का बहुत अजीम इदारा बने आप लोगों की दुआओं से। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर रहमतुल्ला है, डॉक्टर एम रहमतुल्ला। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। टीम अफजल अमानुल्लाह का मैं हिस्सा हूँ। अफजल अमानुल्लाह साहब के बारे में जैसा कि सभी लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे हैं, 79 बैच के आईएएस ऑफिसर है, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही ख़ानदानी है और उनकी ईमानदारी और उनकी बोल्डनेस से हर वो आदमी वाकिफ़ है जो कभी न कभी किसी न किसी हैसियत से वो उनके करीब रहा है। मैं उन्हें 89 से जानता हूँ, जब से मैं जर्नलिज्म की दुनिया में आया था, मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब से मैं उनको जानता हूँ। उन्हें बिहार का, उन्हें दिल्ली का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सऊदी अरब में रहे हैं, एक ग्लोबल एक्सपोज़र है और उन्हें काम करने का मौका मिला है। उनकी टीम का हिस्सा होकर मुझे खुशी हो रही है, मुझे फ़ख्र का एहसास हो रहा है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पिछले 35 साल से मैंने अखबार, टेलीविज़न, आकाशवाणी और वेब पोर्टल में मैंने काम किया है। फ़िलहाल मैं लास्ट ईयर तक मैं दूरदर्शन न्यूज़ में एडिटर था और अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। और मुझे खुशी है कि इस बार जो वोटर्स हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के, वो बहुत ही बेदार हैं और वो बहुत ही अच्छी टीम को चुनना चाहते हैं। पानी का बहाव अगर रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है, वो बीमारी की वजह बन जाती है। पिछले 20 साल से एक ही टीम थी जिसकी वजह से सेंटर, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक स्टैग्नेशन जैसा हो गया है। तो इस बार के वोटर्स चाहते हैं कि वो स्टैग्नेशन ख़त्म हो, नई टीम हो जिसमें कुछ करने का जज्बा हो कौम मिल्लत के लिए। और टीम अफजल अमानुल्लाह में हर मेंबर, उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और मेंबर एग्जीक्यूटिव, सभी जो लोग हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, उनमें काम करने का जज्बा है। तो वोटर से मेरी दरख्वास्त है, मुअत्तबाना दरख्वास्त है कि आप टीम अफजल अमानुल्लाह को एक बार इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में काम करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको मोमेंटम उसमें लाने का मौका दे। और मेरा नाम डॉक्टर रहमतुल्ला है, मेरा बैलेट नंबर 12 है, मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सिकंदर हयात खान है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और दिल्ली में पिछले 37 ईयर से लीगल प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मैं पिछले 20 साल से मेंबर हूँ और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए जो इलेक्शन है 11 अगस्त में होने जा रहा है, मैं उसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 34 है और मैं अफजल अमानुल्लाह साहब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनकी टीम के साथ, उनके सुपरविज़न में, उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ हम सब लोग यूनाइटेडली इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी सभी मेंबरान से गुजारिश है कि वो हमें पूरी टीम को जिताएं और वोट दें, सपोर्ट करें ताकि हम जो मौजूद मेंबरान हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। आज जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे मौजूद मेहमान यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से ममनून हूँ, मशकूर हूँ और उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अलैकुम। मैं सभी हजरात का, सभी मेम्बरान का जो यहाँ तशरीफ़ लाए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका यहाँ आना और अपना वैल्यूएबल टाइम देना उनका एक कंट्रीब्यूशन है IIEC में, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि हम लोगों का पैनल की विज़न क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस तरह सेल्फलेस होके हम लोग स्टेप बाय स्टेप टाइम बाउंड तरीके से ये सारे 7-8 चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी सेंटर में और अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, उसको पूरा करेंगे। यहाँ से जर्नल निकलेगा 3 मंथली, कम से कम 4-5
आला पैमाने के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होंगी जो मुस्लिम इश्यूज़ को देखेंगी। यहाँ का लाउंज बहुत बेहतर होगा जहाँ मेंबर आना पसंद करेंगे, रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट क्यूजीन मिलेगा उनको, और हम लोग कोचिंग स्पॉन्सर करेंगे टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में। गरीब बच्चों की, मेरिटोरियस बच्चों की कैरियर काउंसलिंग होगी, उसके लिए वन फुल टाइम बंदा रखेंगे जो कि जॉब को सर्च करेगा और बच्चों को बताएगा कि वहाँ कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे इंटरव्यू फेस किया जाए। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से हो सकती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर मेमरान ने हम लोगों को मौका दिया तो ये सारी चीज़ें एक साल के अंदर होंगी, नहीं तो हम लोगों का वहाँ रहना बेकार है और हम नहीं रहेंगे। शुक्रिया। मेरा बैलेट नंबर 3 है, मेरा नाम अथर ज़िया है, मैं अलीगढ़ से MBA हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, डिफरेंट TV चैनल मेन स्ट्रीम में एज ए पैनलिस्ट रहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मौका दिया तो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात और मोहतरम मेंबरान इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के। मैं सोहेल रफत, लाइफ मेंबर, जो कंटेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों की दुआओं से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लिए। बैलेट नंबर है 36 और अफजल सर की क़यादत में हम लोग आप लोगों की दुआओं के मुंतज़िर हैं। इंशाल्लाह सेंटर को बहुत आगे लेके जाएंगे, आप लोगों के साथ सबके मिलके ताबुन रहेगा, और रियली वी वांट टू डू समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द सेंटर, और आप लोगों की दुआओं के हम मुंतज़िर हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।